दोस्तों, यह है दिवेर के युद्ध की वह यादगार घटना, जब महाराणा प्रताप सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर अमर सिंह जी ने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर भाले से हमला किया था। भाले ने उसके शरीर और घोड़े दोनों को जमीन पर पटक दिया था। प्रहार इतना भीषण था कि मुगल सेना का कोई भी सैनिक उसके शरीर से भाला नहीं निकाल सका। सन 1582 महाराणा प्रताप सिंह और अकबर का सेनापति सुल्तान खान, जो अकबर का चाचा भी था, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बारे में जानने से पहले एक नजर इसकी पृष्ठभूमि पर। दोस्तों, 18 जून 1576 को अकबर महाराणा प्रताप सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। युद्ध का कोई खास निर्णय नहीं निकल पाया। अकबर ने उदयपुर और मेवाड़ के प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, परंतु महाराणा प्रताप सिंह को पकड़ने में नाकाम रहा। महाराणा प्रताप सिंह अपनी युद्ध नीति बदल देते हैं और अरावली की पहाड़ियों से मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हैं। अकबर ने 1577 से 82 तक महाराणा प्रताप सिंह को पकड़ने के लिए अनेक सैनिक अभियान भेजे, परंतु सब नाकाम रहे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप सिंह के पास केवल 7,000 सैनिक बचे थे। जब दोबारा सेना का संगठन करने लगी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने उनकी आर्थिक सहायता की। उन्होंने महाराणा प्रताप सिंह को इतना धन दिया जिससे वह 12 वर्षों तक 25,000 आदमियों का भरण पोषण कर सकते थे। भामाशाह की मदद से महाराणा प्रताप सिंह ने 40,000 सैनिकों की सेना तैयार कर दी, जिसमें हर जाति वर्ग के लोग शामिल थे। अब महाराणा प्रताप सिंह ने दिवेर के युद्ध की रणनीति बनाई। दोस्तों, जरा सोचिए, महाराणा प्रताप सिंह ने युद्ध के लिए दिवेर ही क्यों चुना? तो इसका जवाब है, अरावली की पहाड़ियों में दिवेर घाटी मेवाड़ के लिए प्राकृतिक किले का काम करती है और ये मेवाड़ के शत्रुओं के लिए प्रवेश द्वार भी है। 1582 विजयदशमी के दिन दिवेर की लड़ाई शुरू हुई। महाराणा प्रताप सिंह को मुगलों से मुकाबला और खोए हुए क्षेत्र को वापिस प्राप्त करने की रणनीति पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपनी सेना को दो समूहों में विभाजित किया। एक का नेतृत्व स्वयं और दूसरे का नेतृत्व अमर सिंह जी कर रहे थे। मुगल सेना का नेतृत्व अकबर का चाचा सुल्तान खान कर रहा था। कुंभलगढ़ से 40 किलोमीटर दूर दिवेर चौकी पर महाराणा प्रताप सिंह ने आक्रमण किया था। मुगल सेना की भीषण हार हुई। सुल्तान खान अमर सिंह जी के हाथों मारा गया। मुगल सेना के 36,000 सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों की 36 चौकियों को बंद कर दिया। महाराणा ने चित्तौड़, अजमेर, मांडलगढ़ को छोड़ पूरे मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर लिया। परंतु दोस्तों, दुख की बात यह है कि इतिहास में इस युद्ध को वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए।